आज हम बात करेंगे कॉलोनी की कि भारत कैसे कॉलोनी से सोवरेन स्टेट यानी संप्रभु राज्य बना। रियल में बहुत सारे स्टूडेंट को इन चीज़ों में बड़ा डाउट होता है कि कॉलोनी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टोरेट की बात करें ये क्या होता है, किसको कहा जाता है, कौन से देश को या किस राज्य को प्रोटेक्टोरेट कहा जाएगा या कौन होते हैं, ये भी समझने में दिक्कत होती है। डोमिनियन को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि डोमिनियन स्टेट होते क्या हैं, है ना। इसी तरह से सोवरेन स्टेट के बारे में हम बात करें तो सोवरेन स्टेट में भी बहुत सारे दिक्कतें होती कि सोवरेन स्टेट होते क्या हैं या संप्रभु राज्य क्या होते हैं, इसको लेकर हम लोग बात करते हैं। अगर भारत के सफ़र की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत कॉलोनी से लेकर सोवरेन तक जाने में या पहुँचने में उसको इन रास्तों से गुजरना पड़ा, है ना। हालांकि भारत प्रोटेक्टोरेट कभी रहा नहीं, संरक्षित राज्य रहा नहीं, लेकिन डोमिनियन तो रहा है, कॉलोनी तो रहा है, है ना। कॉलोनी का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। रियल में कॉलोनी को हिंदी में उपनिवेश बोला जाता है। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई देश किसी देश के कंट्रोल में हो उसे उपनिवेश कहा जाता है, या कॉलोनी या डिपेंडेंसी शब्द एक यूज किया जाता है, हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी थी, यानी हम भारत ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन ने हमको क्या किया था, कब्जे में लिया था। भारत किसके कंट्रोल में चल रहा था, ब्रिटेन के कंट्रोल में चल रहा था, तो इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी होगी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लो एक कंट्री है C1, एक कंट्री है C2, दो देश हैं। अगर C2 कंट्री C1 के कंट्रोल में है पूरी तरह से, धन चाहे C2 कंट्री का विदेशी मामला हो, एक्सटर्नल अफेयर की बात करें, चाहे C2 कंट्री के यानी कि रक्षा मामले, है ना, डिफेंस की बात करें, सब कुछ कौन देखता है, C1। तो अगर C1 कंट्री C2 का सब कुछ देख रहा है, इंटरनल मामला भी और डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा भी और विदेशी मामले भी एक्सटर्नल भी सब कुछ C2 का C1 देख रहा है, तो यह कहा जाता है कि C2 C1 की कॉलोनी है, यानी उपनिवेशवाद है। अब हम बात करते हैं, फिर बात आता है कि दुनिया की या विश्व की पहली कॉलोनी कौन सी थी। तो USA की बात करें तो USA में एक कंट्री है या सॉरी एक राज्य है जिसका नाम है वर्जीनिया, शायद आपने नाम सुना हो, वर्जीनिया। वर्जीनिया USA में एक जगह है, प्लेस है। तो वर्जीनिया में एक जगह और आती है जिसका नाम आपने शायद टाउन्स करके ऐसा कुछ है, टाउन्स। तो वर्जीनिया जो अमेरिका महा मतलब अमेरिका में आता है वह दुनिया की पहली कॉलोनी थी। अच्छा, ये किसके अंडर में आता था, तो ये भी ब्रिटेन के अंडर में ही आता था। वर्जीनिया नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के लंदन में एक कंपनी थी वर्जीनिया नाम की कंपनी, वर्जीनिया अमेरिका के इस शहर में गई, उसी के नाम पर कहीं कहीं इसका नाम लिया गया। तो वर्जीनिया कहाँ है, USA में है, और यहाँ के इस सिटी वर्जीनिया दुनिया की पहली कॉलोनी मानी जाती है। तो दुनिया की पहली कॉलोनी कौन सी थी, तो USA की वर्जीनिया, है ना। वर्जीनिया में एक शहर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्जीनिया में जेम्स टाउन, जेम्स टाउन वर्जीनिया के अंडर में एक सिटी थी। तो यह दुनिया की पहली कॉलोनी थी, या ऐसा भी मान सकते हैं कि वर्जीनिया, क्योंकि वर्जीनिया के अंदर में जेम्स टाउन आता है, चाहे जेम्स टाउन बोलें चाहे वर्जीनिया बोलें, दुनिया की पहली कॉलोनी थी, किसकी थी, ब्रिटेन की ही थी, ये भी हमने बता दिया, यानी ऐसा भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं संरक्षित या प्रोटेक्टोरेट स्टेट में क्या होता है। मान लो एक कंट्री है C1, एक कंट्री है C2, है ना। अब ये C2 कंट्री थोड़ा सा कमज़ोर है, या अपना डिफेंस सिस्टम रक्षा मतलब से संबंधित मामले देखने में
सुरक्षित नहीं है या विदेशी मामले अपना खुद नहीं देख सकता सी टू कंट्री, तो कहीं ना कहीं सी वन सी टू से यह कहे कि देखिए ऐसा है कि मैं आपका डिफेंस सिस्टम जो है या रक्षा मामला जो है, यहाँ तक कि ऐसा भी मान सकते हैं कि विदेशी मामले जो हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, ये दोनों सी वन कहेगा सी टू से कि भाई चूँकि आप कमज़ोर हो, गरीब हो, आप पर कोई देश अटैक न कर दे तो हम आपका डिफेंस सिस्टम देखेंगे, हम आपका विदेशी मामले भी देखेंगे, लेकिन इंटरनल मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरनल मामले में आप स्वतंत्र हो, लेकिन एक्सटर्नल मामले में अगर हम देखें डिफेंस सिस्टम कौन देखेगा, सी वन, कि कोई बाहरी देश आक्रमण न कर दे। तो ये मतलब माना जाएगा कि अगर कोई देश इस सी टू पर आक्रमण करेगा और इसका डिफेंस सिस्टम सी वन देख रहा है, तो उस देश से जो देश इस पर अटैक करेगा उससे युद्ध लड़ने कौन जाएगा, सी वन जाएगा। यानी अगर सी वन सी टू का डिफेंस सिस्टम देख रहा है, सी टू पर कोई देश अटैक करता है तो इसकी रक्षा करना सी वन का कर्तव्य बन जाता है। विदेशी मामले भी ये देखेंगे सी वन किसका, सी टू का, कि भैया जो हमारे विदेशी संबंध दूसरे देशों से हैं वही तुम्हारे मान लिए जाएंगे, मतलब तुम किसी से विदेशी संबंध नहीं रखोगे, है ना। विदेश वाले संबंध जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात होगी, तो वो हमारा एक्सटर्नल अफेयर से ही आपका एक्सटर्नल अफेयर माना जाएगा। तो ऐसे देश को संरक्षित देश कहा जाता है जिसका डिफेंस और जिसका एक्सटर्नल अफेयर कोई दूसरी कंट्री देखता है। यहाँ कह सकते हैं कि सी टू सी वन का प्रोटेक्टोरेट स्टेट या संरक्षित राज्य। एक मामले में ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टोरेट की मामले में सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य बन गया। यानी 1975 से पहले सिक्किम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, है ना। ऐसे बहुत सारे दुनिया में देश थे जो ब्रिटेन के प्रोटेक्टोरेट थे। आप टर्की, एक देश है टर्की के पास में, जब आप जाओगे तो साइप्रस एक देश आता है, तो साइप्रस भी ब्रिटेन का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। माल्टा एक कंट्री आता है मेडिटेरियन सी की, अगर आप बात करें भूमध्य सागर में जाओगे इटली के पास, माल्टा एक कंट्री है ना, माल्टा भी ब्रिटेन की क्या थी, प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सोमालिया एक देश है, मिस्र इजिप्ट एक देश है, ये भी कभी न कभी किसके आने की प्रोटेक्टोरेट रहे, तो ब्रिटेन के वो भी थे, अब आज नहीं है क्योंकि आज स्वतंत्र हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। तो अब हमने संरक्षित राज्य समझ लिया, अब हम आते हैं डोमिनियन स्टेट। हिंदी की अगर बात करें तो डोमिनियन स्टेट को हिंदी में हम स्वायत्त शासित बोल सकते हैं, हालांकि हिंदी में भी लिखा डोमिनियन ही मिलता है ना। तो डोमिनियन का मतलब क्या होता है, इसका समझ लेते हैं कि मान लो एक कंट्री सी वन है, एक कंट्री सी टू है ना। तो सी टू का अभी हमने देखा प्रोटेक्टोरेट में कि इसका डिफेंस सिस्टम रक्षा मामले जो है तो सी वन देखता था। सी टू का प्रोटेक्टोरेट में अभी हमने देखा कि विदेशी मामले भी कौन देखता था, सी वन देखता था। इंटरनल मामला जो था प्रोटेक्टोरेट में वो खुद ही देखता था सी टू, है ना। डोमिनियन वाले में ये होता है कि इसका डिफेंस सिस्टम सी टू अपना खुद ही देखेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है विदेशी मामले भी सी टू अपना खुद ही देखेगा, और इंटरनल तो अपना खुद देखेगा ही, प्रोटेक्टोरेट में भी खुद ही देख रहा था, है ना। तो सी वन फिर किस लिए इसका क्या देखेगा या किस हिसाब से इसको डोमिनियन कहा जाएगा। सी वन यह कहेगा इसको सी टू को कि भैया देखो जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा वही तुम्हारा भी हेड ऑफ स्टेट होगा। हेड ऑफ स्टेट मतलब होता है जैसे भारत में हेड ऑफ स्टेट भारत का राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सी वन का जो हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, जो वहाँ का राष्ट्रपति होगा, वो सी टू कंट्री का क्या माना जाएगा, राष्ट्रपति माना जाएगा। सी टू स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, इसका डिफेंस सिस्टम खुद ही देख रहा है, विदेशी मामले खुद ही देख रहा है, इंटरनल मामला खुद ही देख रहा है, किसको राष्ट्रपति बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको गवर्नर बनाना है, सब कुछ यह देखेगा अपना।
लेकिन C2 का हेड ऑफ स्टेट कौन माना जाएगा? जो C1 का हेड ऑफ स्टेट रहेगा। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे डोमिनियन स्टेट हैं। अब पूछा जाता है कि दुनिया का पहला डोमिनियन स्टेट कौन सा था, तो कनाडा आप कह सकते हैं। कनाडा में रियल भी नहीं, कनाडा कन्फेडरल कहना पड़ेगा। कनाडा कन्फेडरल मतलब कनाडा के अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं वो, और कनाडा को मिलाकर कनाडा कन्फेडरल दुनिया का पहला डोमिनियन स्टेट रहा है, ब्रिटेन का ही रहा है ना, ये ध्यान समझे यहाँ पर। तो कनाडा ये कौन है? दुनिया का पहला जो है तो डोमिनियन माना जाता है। यहाँ हमने ये भी समझ लिया। फिर ऐसे क्या और देश हैं क्या जो अभी भी डोमिनियन हो? तो न्यूजीलैंड डोमिनियन स्टेट है। न्यूजीलैंड का जो हेड ऑफ स्टेट है वो माना जाता है ब्रिटेन का, है ना। तो जो ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट है वो न्यूजीलैंड का माना जाता है। कनाडा का मैंने अभी भी बता दिया कि कनाडा का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो ब्रिटेन का जो होता है वही माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ स्टेट वही होगा जो ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोवरिन, तो वही एग्जाम्पल्स लेते हैं। सोवरिन में भी मान लो C1 और C2 दो कंट्री हैं, है ना। C1 और C2 दो कंट्री हैं। तो अब C2 डोमिनियन में हमने देखा कि अपना डिफेंस सिस्टम भी देख रहा था, और C2 अपना एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी मामले भी देख रहा था। इंटरनल अफेयर खुद ही, इंटरनल मामले जो थे C2 के खुद ही देख रहा था। इसमें प्रोटेक्टोरेट में भी अपना खुद देख रहा था, इसमें डोमिनियन में भी खुद देख रहा था। लेकिन डोमिनियन में हेड ऑफ स्टेट C1 का माना जाता था C2 का, यानी जो C1 का हेड ऑफ स्टेट है वही माना जाता था C2 का। सोवरेन स्टेट में सिर्फ संप्रभु राज्य में माना जाता है कि C1 का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो C2 का हेड ऑफ स्टेट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी C2 का अपना खुद का हेड ऑफ स्टेट होगा, C1 का अपना खुद ही हेड ऑफ स्टेट होगा। C2 स्वतंत्र है अपना रक्षा व मामले देखने में, अपना विदेशी मामले देखने में और अपना इंटरनल मामले देखने में। मतलब किसी भी प्रकार से C2 C1 पर डिपेंड नहीं है। इसका खुद का कानून होगा, खुद का संविधान होगा, खुद का हेड ऑफ स्टेट होगा, खुद का डिफेंस होगा, खुद का विदेशी मामले होंगे, सब कुछ देखेगा C2, किसी प्रकार से C1 पर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे स्टेट को हम सोवरिन स्टेट बोलते हैं। तो भारत आज एक सोवरिन स्टेट है, यानी संप्रभु राज्य है भारत। तो हमने ये देखा कि इससे पहले भारत एक कॉलोनी था ब्रिटेन का। प्रोटेक्टोरेट भारत कभी नहीं रहा, डायरेक्ट कॉलोनी से हम डोमिनियन में आए। तो ध्यान रखना कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हम डोमिनियन बने थे। 15 अगस्त 1900 पहले हम कॉलोनी थे ब्रिटेन के। 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, हम सबको पता है हमारा संविधान बनकर तैयार होता है तब 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो जब 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए और हमारा संविधान पूरी तरह से यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन थे। तो हम सोवरेन स्टेट कब बन रहे हैं? ये हम बन रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान बन गया, हमारा हेड ऑफ स्टेट हो गया, हमारा जो है तो खुद का डिफेंस सिस्टम आ गया, हमारा खुद का एक्सटर्नल अफेयर आ गया और हमारा खुद का इंटरनल मामले भी हम देख रहे हैं। इस प्रकार से भारत 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में डोमिनियन था, उसके बाद हम सोवरेन बन गए हैं, ये हमने पता कर लिया। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि साइप्रस ये आपका महाद्वीप है, इसके ऊपर ये आप जाओगे तो ये है टर्की, है ना। टर्की के नीचे ये है साइप्रस, और यहाँ की बात करें तो ये है आपका इटली,
इटली के नीचे यहाँ जाओगे तो आता है माल्टा, तो माल्टा कंट्री और साइप्रस इटली के नीचे, ये साइप्रस कंट्री भी ये जो ब्रिटेन है इसकी कॉलोनी थे, सॉरी प्रोटेक्टोरेट थे। माल्टा कहाँ है? इटली के नीचे, और ये टर्की के नीचे क्या है? साइप्रस। और ये किसके जो है तो प्रोटेक्टोरेट थे, ब्रिटेन किसकी बात करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में मैं आपको बता रहा था कि सोमालिया और इजिप्ट, ये आपका तो इजिप्ट और सोमालिया ये जो है तो किसके प्रोटेक्टोरेट रहे? ये भी ब्रिटेन के रहे। ऐसे बहुत सारे देश रहे हैं जो इनके प्रोटेक्टोरेट थे, इसकी हमने बात ही कर लिया है। अभी यूएसए में हम बात कर रहे थे वर्जीनिया, ये यहाँ पर, तो यूएसए में वर्जीनिया जो है तो दुनिया का पहला कॉलोनी मानी जाती है ना। डोमिनियन की हम बात कर रहे थे तो ये कनाडा, ये पूरा एरिया है कनाडा, तो कनाडा कन्फेडरल नहीं, उनके छोटे छोटे से राज्यों को मिलाकर, कुल मिलाकर कनाडा दुनिया का पहला डोमिनियन था, कॉलोनी वर्जीनिया थी जो है। तो सॉवरेन तो अब सब हैं ही, स्वतंत्र हैं, टेंशन नहीं है, है ना। चलो ओके।